Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to our channel MCQS platform. Do you know what sequence of personal pronoun should we keep in positive statements or while praising someone? If you don't know, then we would like to request you to invest few minutes and learn all these concepts of personal pronoun sequence in positive statement or praise. Let us move to learn rule number 33. Before going to start, I would like to request you to subscribe our channel and press the bell icon so that you may learn all notification of golden rules of English grammar. So, rule number 33 kya kehta hai? In English grammar, while expressing a positive idea or a praise, जब भी आप एक पॉजिटिव आइडिया या किसी की प्रेज कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो या कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें पर्सनल प्रोनाउन की सीक्वेंस क्या होगी वो हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले रूल नंबर 32 में हमने पढ़ाया था कि अगर नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो उसमें, या आप कन्फेस कर रहे हो कोई भी फॉल्ट, तो उसमें आपने पर्सनल प्रोनाउन की सीक्वेंस क्या रखनी होगी। अगर रूल नंबर 32 आपने नहीं पढ़ा या नहीं उसकी वीडियो देखी, तो राइट कॉर्नर में एक लिंक शो हो रहा होगा, वो आप क्लिक करें अभी तो आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा रूल नंबर 32 पे। तो इसका रूल नंबर 33 का जो एक हमने फार्मूला बनाया है वो ये है, सबसे पहले सीक्वेंस में सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन एंड लास्ट में फर्स्ट पर्सन। जबकि आपको ये रूल मज़ीद समझ आएगा एग्जांपल्स में। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क। हमने काम ख़त्म, हम काम ख़त्म कर चुके हैं। अब देखिए कैसे हम सारे कैसे हो गए, यू तुम, वो और मैं काम ख़त्म कर चुके हैं। अब एक रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब अब एक गलत इनकरेक्ट कैसे होगा, अली, आई एंड यू हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़। अब देखें अली यहाँ क्या है, थर्ड पर्सन, फिर आई फर्स्ट पर्सन एंड देन यू सेकंड पर्सन। जबकि हमने इधर सीक्वेंस क्या पढ़ी है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड लास्ट में फर्स्ट पर्सन। यू, अली एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। तो ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गई और इसकी सीक्वेंस हमने कैसे रखी है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। यू हो गया सेकंड पर्सन, अली हो गया थर्ड पर्सन, या थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो गया, और आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये रूल नंबर 33 समझ आया होगा। अब जिसने भी ये रूल समझ लिया है उसके लिए एक MCQs है, डैश विल बी अवार्डेड विथ अ प्राइस। अब देखें यहाँ पर एक अनाउंसमेंट हो रही है, प्राइस सेरेमनी जैसे होती है उसमें एक अनाउंसमेंट हो रही है, डैश विल बी अवार्डेड विथ अ प्राइस टुडे। जैसे आज फलां फलां बंदा जिसको प्राइस अवार्ड किया जाए। तो अहमद, यू एंड आई, ये क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है राइट ऑप्शन का, ठीक है ना। ए है अहमद, यू एंड आई, यू अहमद एंड आई, आई यू एंड अहमद, या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में देना है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये रूल नंबर 33 समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले रूल नंबर 34 में। अब तक अगर आपने हमारा चैनल MCQs प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले रूल नंबर 34 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।